पहले आप सभी को नमस्ते। माफी चाहूंगा, इतने दिन के लिए वीडियो वगैरह कुछ नहीं आया था। उसके पीछे वजह यह था कि बच्चों का एग्जाम चल रहा था, तो इसीलिए कोई वीडियो वगैरह नहीं आया था। तो अभी मैं सोचा हूं कि कुछ नया करते। आज के जमाने में जहां पे लोग पढ़ाई को एक धंधा बना चुके, एक बिजनेस बना चुके, वहां पे हम पढ़ाई को कुछ नए तरीके से करेंगे। अगर हम पीट के किसी को मार के पढ़ाएंगे तो वो सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ेगा, लेकिन अगर उसके अंदर पढ़ने का जज्बात पैदा कर दिए तो वो नौकरी होने तक पढ़ेगा, यहां तक कि नौकरी के बाद पढ़ेगा। आप किसी को उठा लीजिए, कोई भी बड़े आदमी, बिल गेट्स हो या फिर कोई भी बड़े आदमी उठा लीजिए, आप स्वामी विवेकानंद जी हो, किसी को भी, आप सबसे पहले ये देखेंगे वो रोज किताब का एक टॉपिक पढ़ते। सुबह उठते पहले उनका काम होता है बुक पढ़ेंगे। वो पढ़ने का जो आदत है ना, क्योंकि वो पढ़ाई को अपना चुके, आपको वो सब करना पड़ेगा। तो कुछ नए उम्मीद के साथ मैं लेके आया हूं कुछ नया सा, कुछ अलग ही अंदाज में, कुछ अलग ही नया गेम से पढ़ाने का तरीका। तो मेरे पापा हमेशा मुझे कहते थे, वो पापा मत सबू बड़े कौन थी, कि आसमान का चांद ना से ही घर का लंठन बनो, आसमान का चांद ना से ही घर का लंठन बनो। कहने का मतलब, हम कुछ बड़ा कर पाए या ना कर पाए, छोटा सा लंठन हो के अपने घर को उजाला दे सकते हैं। तो मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं खुद फकीरपति हूं, तो करोड़पति नहीं, कौन बनेगा चैंपियन। हमारे पास कोई नया इक्विपमेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास कि हम कंप्यूटर में क्वेश्चन दे दे और फास्ट एंड फिंगरप्रिंट कर पाए, नहीं है। तो उसी लिए हम कुछ लेके आए चीट, और ये जो सिलेक्ट हुए जीनियस के लिए, मैं ये चीट हर किसी एक के हाथ में दूंगा, और जो बच्चा सबसे पहले इसका आंसर लाके पहुंचाएगा वही सिलेक्ट होगा हॉट सीट के लिए, और वही खेल पाएगा केबीसी। दैट मींस कौन बनेगा चैंपियन, कौन बनेगा चैंपियन, और जीत के ले सकता है बहुत सारे ऐसे प्राइज, घड़ी, नोट, पेन, बुक, खाता और भी बहुत सारे। और ये करने के पीछे मेरा वजह यह है कि अंदर एक दिल में एक ख्वाहिश पैदा हो कि मैं भी केबीसी खेलूंगा। आज हम लोग यहां खेल रहे, भगवान करे, ऊपर वाला करे, आपके अंदर वो पैदा हो कि आप एक दिन जाके द ग्रेट अमिताभ बच्चन सार के सामने बैठे और सचमुच का केबीसी खेले। मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं एक एजुकेशन सिस्टम में कुछ नया लाने के लिए, एक छोटा सा प्रयास है कि हर गरीब बच्चा खेल पाए, भाग ले पाए और अपने आप को वो कुछ अनहोनी महसूस कर पाए। तो उम्मीद करता हूं आप लोग मेरा साथ देंगे। तो इसी के साथ मैं शुरू करता हूं केबीसी। सबसे पहले आपको स्वागत है तो ठीक है, आप बताइए आप क्या हो, बड़ा होके क्या बनना चाहते हैं? आईपीएस ऑफिसर। आप बड़ा होके आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो रिजवाना जी ऐसा क्यों, आईपीएस ऑफिसर क्यों? क्योंकि हमारे देश में लड़की का कुछ मोल ही नहीं है, सब बोलते हैं कि तुम बड़ी होके और पढ़ाएंगे नहीं, तुम जल्द शादी कर देंगे। सर ऐसा क्यों सर, जब लड़के पढ़ सकते हैं तो लड़के कुछ कर सकते हैं, तो लड़के क्यों नहीं सर? सर इस वजह से सर मेरा अच्छा, तो आप चाह रहे हैं कि हमारे देश में ऐसा क्यों, अगर लड़का पढ़ सकता है तो फिर लड़की क्यों नहीं? जी सर,
लड़की बड़ी होती है तो बोलते कि शादी करा देंगे, पढ़ाएंगे नहीं, तू बाहर मत जाना क्योंकि तुम लड़की हो। आप इसके ऊपर आवाज उठाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर कोई पढ़े, लड़का लड़की सब बराबर हो, सब पढ़े। आप इतने कम उम्र में इतना बड़ा सोच कैसे रख पाते हैं? आपको सलाम है, उसके लिए सैल्यूट है, आपको आपके माँ बाप को उसके लिए सैल्यूट है, और माँ बाप को बेशक हमारा नमस्ते बोलना। आप ये जो सोच रखते हैं वैसे आप बोलिए, आप करिए वो चीज। मैं चाहता हूं कि आप आगे जाइए और एक आईपीएस अफसर बनिए। आप किरण बेदी को जानते हैं? वो एक आईपीएस अफसर है, औरत थे, एक लड़की थे, तो वो एक एग्जाम्पल जैसे बन गए। मैं चाहूंगा कि आप ये एग्जाम्पल बनिए पूरे दुनिया के लिए और बेशक आप आईपीएस अफसर बनिए। ठीक है, आप इतने कम उम्र में सोच पाते वो सबसे बड़ा मायना रखता है, तो उसके लिए मैं तो आपके पेरेंट्स को नमस्ते। तो आपका सबसे पहला सवाल आप उठाइए, वहां से आपका सबसे पहले सवाल आप उठाइए। तो आपका पहला सवाल ये रहा, कथक नाच केऊ प्रदेश, कथक नाच केऊ प्रदेश। ऑप्शन ए तमिलनाडु, आप ऑप्शन सुन लीजिए पहले। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। आप श्योर है? अगर आप चाहेंगे बदलने के लिए तो बदल सकते हैं, आपके पास टाइम है, आपके पास टाइम है, आप चाहेंगे तो बदल सकते हैं। आप ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश श्योर है? लॉक कर दूं? तो लैपटॉप जी ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए। वेरी गुड, ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए। आप पढ़े थे? जी सर। अच्छा, उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानते हैं आप? कुछ वहां का सीएम वगैरह कौन है? उत्तर प्रदेश में सीएम कौन है? अच्छा ठीक है, उत्तर प्रदेश का सीएम है हमारे योगी आदित्यनाथ जी, और वहां के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आप अगर कुछ बनी है उनसे मुलाकात भी करेंगे, आप आगे जाइए ना, आप बोले ना आईपीएस अफसर बनना है, अगर बन जाइए तो हम भी फक्र करेंगे कि आप हमारे हो, आप हमारे स्टूडेंट हो, बहन हो, हम उसके लिए फक्र करेंगे। ठीक है, तो लेट्स हैव ए बिग हैंड फॉर द फर्स्ट राइटिंग। बैग ले आइए, इसमें आप तोहफा लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका सबसे पहला सवाल का आंसर, का लिए आंसर के लिए आपका सबसे पहला उपहार। ठीक है, कोई बात नहीं, ये आपका मेहनत है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस जरिया हूं, देने वाला वो है। तो सेकंड सवाल, अब तैयार है सेकंड सवाल के लिए? मैं क्वेश्चन पढ़ लूं पहले। केउटी ओडिशा रा सर्वनिम्न जनसंख्या विशिष्ट जिला, केउटी ओडिशा रा सर्वनिम्न जनसंख्या विशिष्ट जिला। ऑप्शन ए नयागढ़, ऑप्शन बी देवगढ़, ऑप्शन सी रायगढ़, और ऑप्शन डी बरगढ़। ऑप्शन बी देवगढ़। ऑप्शन बी देवगढ़। स्पीकर में बोलिए, स्पीकर लीजिए। यस सर, यस। और एक बार आंसर बोलिए। ऑप्शन बी देवगढ़। ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए? जी सर। आप कंफर्म है? जी सर। आप इतने स्पीड कैसे जवाब दे, पढ़ लिए क्या सर? जी सर। मतलब ये आज खाली होगा? चलो मैं भी चाहता हूँ आप खाली कर दीजिए, बहुत भीड़ लगता है। तो ऑप्शन बी देवगढ़, आप यही कहना चाहते हैं शायद? तो लैपटॉप जी ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिए। आपको ऐसा क्यों लगा कि देवगढ़ होना चाहिए? जो हो पता है, आप पढ़े थे देवगढ़। आपको ऐसा क्यों नहीं लगा कि नयागढ़ नहीं होगा? आप नयागढ़ को चुन सकते थे, देवगढ़ सबसे ज्यादा संख्या का बहुत कम है ना देवगढ़ में, देवगढ़ जिला में। जी सर, हमारे उड़ीसा में देवगढ़ में सबसे कम आदमी रहते हैं। आप
सही हो, बिल्कुल सही हो, देवगढ़ आपका बिल्कुल सही आंसर है। और ठीक है, और आपको पता है टोटल ओडिशा का पॉपुलेशन कितना है? सर 21 करोड़। नहीं, ओडिशा का पॉपुलेशन 21 करोड़ नहीं है, ओडिशा का टोटल पॉपुलेशन है 4.37 करोड़। ठीक है, 4.37 मतलब 4 करोड़ से कुछ ज्यादा। ठीक है, उसमें से सबसे कम रहते हैं हमारे जो 30 डिस्ट्रिक्ट है ओडिशा में, उसमें से सबसे कम रहते हैं देवगढ़। आप लोग भी थोड़ा उसको दिमाग में रखिए, क्योंकि इससे दो फायदा हो, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपका ये सवाल अगर एग्जाम में आया आप दे पाएंगे, आपका जनरल नॉलेज स्ट्रॉन्ग होगा। उसके साथ यहाँ बैठने का नजारा ही कुछ अलग, और आप लोग भी उम्मीद रखेंगे बैठने के। ठीक है, मैं इतना ही चाहता हूँ, मेरा कोई बिल्कुल मतलब मेरा कोई शौक नहीं है, मतलब कुछ बड़ा बनने का नहीं। आप लोग अगर बड़े होंगे तो मैं बड़ा होगा, माँ बाप बहुत मेहनत है। आप एक वीडियो देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि एक बूढ़ी माँ लगभग 70 या 80 साल की, शादी घर में लाइट थान पे जो चलती है ना, मैंने जब वो वीडियो देखा एक ही मानी मेरे आँख से आंसू। माँ बाप आप लोग उन्हीं को रुलाते हो, बात नहीं मानते, पढ़ाई नहीं करते, क्यों? इतना मजा चीज है पढ़ाई, आप अच्छा पढ़ लीजिए, यहाँ क्या बैठेंगे आपके घर में देखेंगे कि आप बैठे हो वो सबसे। और आप लोग करेंगे, मुझे उसका उम्मीद है, अगले बार मैं खुद कंफ्यूज में रह जाऊं किसको सिलेक्ट करूं, इतना मेहनत आप करेंगे। सही, ठीक है, तो आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर सही था, उसके लिए इतना लेंगे, खाली कर देंगे आप लगता है आज। चलो ठीक है, लेट्स से बी है। अच्छा रिजवाना जी, आप सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हैं, माँ या फिर पापा, अम्मी या फिर आपको, या फिर दोनों? दोनों। आपके पापा क्या करते हैं? सर मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मेरे पापा एक टॉली का। आपके पापा टॉली का? जी सर। उसके लिए तो मैं चाहती हूँ कि आईएएस ऑफिसर, आईपीएस बनो, क्योंकि हमारे थोड़ा साउंड ज्यादा बोलिए, जोर से बोलिए। सर मैं उसके लिए चाहती हूँ कि मैं आईपीएस बनो। तो आपको बताना चाहूंगा, रिजवाना जी जो यहाँ पे अभी हॉट सीट पे बैठे, उनके पापा टॉली टन थे, और अब रोइए मत, मेरे पापा खेती बाड़ी करते थे और मैं फक्र खेती बाड़ी करके जो इंसान मुझे पढ़ा के यहाँ तक ले आ पाया, उससे ज्यादा ताकतवर कौन हो सकता है। मेरे पापा खेती बाड़ी करते, खेती बाड़ी करके मेरे पापा चाषो करी, मो बापा मत आज पढ़े एमती गोटे चेयर बसई पार्टी, तो ताकू बड़ स्ट्रंग किए पारे, आप क्यों रोते? बिल्कुल मात्र ये रिजवाना जी, बिल्कुल मात्र ये, और अपने पापा को मेरे तरफ से सलाम दीजिए। आपके पापा टॉली टनते, और आप कहते कि मुझे फक्र है कि मेरे पापा टॉली टनते, और मैं इसीलिए आईपीएस अफसर बनना चाहता हूं। आप रोइए मत बिल्कुल भी, क्योंकि अक्सर वो लोग कमाल करते जिन पे दुनिया हंसता है।